और चलिए जनपद चमोली की बात करेंगे, जहां पर प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा भराड़ी सैण में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया और सभी प्रदेशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत प्रत्येक ग्राम सभा में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जा रहा है। एक अमृत वाटिका भी बनाई जा रही है, जिसमें 75 फलदार वृक्ष लगाए जा रही हैं। शहीदों की याद में प्रत्येक ग्राम सभा में 16 फलकम का निर्माण किया जा रहा है और शहीदों की आंगन की मिट्टी को अमृत वाटिका दिल्ली में ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो हमारी नई पीढ़ी है, जो सैनिक है, जो महिला शक्ति है, हम सब मिलकर एक उत्कृष्ट उत्तराखंड का निर्माण करेंगे। चाहे सेना में हुए, चाहे अर्धसेना में हुए और चाहे में सभी सैनिकों के आंगन की मिट्टी जो है वहां पे इकट्ठा कर और हमने ब्लॉक को ब्लॉक से फिर जिले में आए और जिले के बाद जो है वो जो है कर्तव्य पथ दिल्ली में ले जाई जाएगी और 7,500 ब्लॉक हर ब्लॉक से वहां पे कर्तव्य पथ पे जो है मिट्टी ले जाके एक अमृत वाटिका बनाई जाएगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी उसका जो है शिलान्यास करेगा। तो पहला दूसरा प्रोग्राम किया था कि प्रत्येक ग्राम सभा में शहीदों के परिवारजनों को सम्मानित किया जाए।